अनीशा देवेंद्र मैम मैं यस मैम आई एम आल्सो जॉइनिंग यस मैम समहाउ आई कांट हियर यू आई विल चेक वेट या नाउ आई कैन हियर यू टेल मी एनीबॉडी Yes, ma'am. I am here for the first time. Okay. Yes, I am also here for the first time. Ma'am also. Okay. Before that, one girl was there. What's her name? Anisha. Okay. And somebody messaged me, Shruti. Yes, ma'am. Okay. I have also joined for the first time. Okay. So see, what I have done in lecture one is, I've just revised. You can say. Concept of atomic mass and molecular mass. That's it. And I've given a simple definition of mole. Lecture one में क्या किया? Lecture one में हम mole concept में बस एक ये पहला definition किया कि आपका one mole जो होता है किसी भी substance का is equal to 6.022 into 10^23 particles. पार्टिकल्स वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि केमिकल स्पीशीज में ये एटम हो सकता है ये मॉलिक्यूल हो सकता है या ये आयंस भी हो सकता है और इसके लिए एक जनरल टर्म यूज किया है मैंने उनको पार्टिकल्स कहा है यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया So, all those who are joining today, what they can do is just go to our website and mole concept lecture one. ये batch का आपको मिल जाएगा. So, you can go through it. अगर आप ICSE या CBSE के student हो, तो ये तो आपको आ ही रहा है. इसमें nothing new for you. Moral of the story, you haven't missed much. आपने ज्यादा कुछ भी मिस नहीं किया है आपको आज का लेक्चर टू आराम से समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है कि लेक्चर वन नहीं अटेंड किया के वजह से लेक्चर टू में आज कोई दिक्कत नहीं आएगी राइट सो इज दिस क्लियर एनीबडी हु मिस्ड लेक्चर वन एंड इज फ्रॉम एसएससी बोर्ड मैम आई एम फ्रॉम एसएससी बोर्ड What's your name, beta? Ma'am Srushti. Okay, so you're Srushti, you are from SSC board. So, yes. आपको mole concept नहीं था ना, beta? Ma'am, we had a bit. You had mole concept in 10th standard? In 9th, we learned a little bit. Okay, so in that little bit, ये one mole is equal to Avogadro number सिखाया जाता है, beta, आपको? Yes, ma'am. तो बस इतना ही करवाया मैंने. ओके मैम इसके आगे पीछे कुछ नहीं करवाया बस वन मोल सो आई जस्ट एक्सप्लेन मोल एज अ यूनिट ऑफ नंबर सो व्हेन वी आर हैविंग अवोगैड्रोस नंबर ऑफ आइदर एटम्स टुगेदर मॉलिक्यूल्स टुगेदर और आयंस टुगेदर देन दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल यहां तक ही मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया है नाउ यस आई विल गो अहेड एंड टीच यू डिफरेंट थिंग्स तो अभी आज हम आगे के कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे सो आई एम स्टार्टिंग विद अ डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास टुडे सो पे अटेंशन नाउ तो ये इतना हो गया था आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू द डेफिनेशन ऑफ ग्राम Atomic mass, and this is also called as gram atom. So, what is the definition? How do we define gram atomic mass? Definition simply is this is mass of. One
mole of atoms. ये वन मोल ऑफ एटम्स का मास है. कैसे मिलेगा ये मास हमको? सिंपली वी से एक्सप्रेस मास इन ग्राम्स. तो हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि एटॉमिक मास का यूनिट तो एमयू होता है. तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए हमको क्या करना है? वो नंबर सेम रखना है, बट सिंपली उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है. तो इसका मतलब क्या है मैं समझा रही हूँ, एकदम ध्यान देके देखो. से फॉर एग्जांपल आई टेक मैग्नीशियम. तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम जो हमने लास्ट लेक्चर कर लिया था? 24 है बेटा. यूनिट क्या लिखो एटॉमिक मास के लिए? 24. व्हाट शुड बी द यूनिट फॉर एटॉमिक मास? AMU. तो 24 AMU ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है. और एटॉमिक मास का मतलब ये एक एटम का मास है, राइट? दिस इज व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम. हां, व्हिच नंबर ऑफ लेक्चर इज दिस? सेकंड नंबर 2 बेटा. ओके मैम, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है. आप लेट ज्वाइन हो गए हैं? यस मैम. इसके लिए मैंने सब एक्सप्लेन कर लिया था. ओके मैम, आई विल मेक श्योर टू रिवाइज. जॉइन ऑन टाइम. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 एमयू है, विच इज अ मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम. नाउ सी व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास. इसको हम इन शॉर्ट GAM कहेंगे. तो व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? It is simply express atomic mass in grams. मतलब 24 ही लिखना है, but 24 grams हो जाएगा. फर्क क्या है? When I call it as atomic mass, 24 AMU, this is mass of one atom. ये एक atom का mass है. And when I say 24 grams, this is mass of one mole of atom. Is that clear? Yes. Yes. आपको जो मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसे कैसे? कैसे ये नंबर सेम रहता है, बस यूनिट बदल जाता है? जब भी हम एक एटम से एक मोल चले जाते हैं, आई एम शोइंग यू दैट कैलकुलेशन. एवरीबडी सी ऑन द बोर्ड. मैं वो पूरा कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि आपको इसके आगे डाउट ना आए. तो एवरीबडी नोज की मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 AMU. आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू हियर. अभी इसी मास ऑफ वन एटम को जो एमयू में है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इन टू ग्राम्स, विच फैक्टर आई गिव यू लास्ट लेक्चर, वन एमयू इज 1.66 इनटू 10 रेज टू -24 ग्राम्स. एक एटम का मास ग्राम्स में इतना आता है. किसी को कोई डाउट है ये सेकेंड स्टेप में? एज आई गेव यू इन लास्ट लेक्चर अ कन्वर्जन फैक्टर, योर 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 रेज टू -24 ग्राम्स.
Now see ahead. तो मेरे पास एक एटम का मास है ग्राम्स में. Now I want to calculate mass of one mole of magnesium atoms. तो ये one mole का मतलब क्या होता है? One mole का मतलब Avogadro's number of magnesium atom. Yes. एक एटम का मास कितना है? तो Avogadro's number of magnesium atom का मास होगा मास ऑफ वन एटम इनटू Avogadro's number एंड द यूनिट विल बी इन ग्राम्स. क्या तक समझ में आया? यस. अभी सब लोग ये जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है कि एक बार कैलकुलेटर से कर लीजिए. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस मल्टीप्लीकेशन वंस बाय कैलकुलेटर. सो प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियोस व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, अदरवाइज इट डिस्टर्ब्स द क्लास. यू कैन स्विच ऑन द ऑडियो ओनली व्हेन यू हैव टू टॉक विद मी. Other times, please switch it off. क्या आंसर आ रहा है बोलो मुझे. 9.99. 9.99 आ रहा है. Yes. 0.99. 0.99 आएगा, right? और पता है इसमें ये दो मैंने लिए यहाँ पे और यहाँ पे तीन डिजिट्स. एक एक डिजिट पढ़ा दूंगी ना तो वो ऑलमोस्ट वन आता है. तो ये जो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ये वन है. मतलब दिस इज 24 into 1 एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स 24 grams. तो जो एक एटम का मास होता है AMU में, अभी समझा कैसे वो वन मोल ऑफ एटम्स का मास हो जाता है इफ वी एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स. इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. तो इतना लिख लो भी गो अहेड.
गया लिखिए. Has everybody finished copying? Ma'am, one second, ma'am. Last line बाकी है. आराम से, आराम से. कोई try नहीं. अगर किसी को कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो. ग्राम में एक्सप्रेस करना है. क्या बोल रहा है? ग्राम में एक्सप्रेस करना है. तो ग्राम एटॉमिक मास का क्या डेफिनेशन दिया है मैंने? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम. मैम जो आपने क्वेश्चन दिया, ग्राम एटॉमिक मास इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो ग्राम्स में होता है. तो डाउट कहाँ पे है इसमें? आपने जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें करना क्या है? उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग. अच्छा, मतलब एवोगैड्रोस नंबर एक्सप्रेस करना. 4.5. ये किसका ऑडियो ऑन है बेटा? अदर देन द वन हु इज आस्किंग मी डाउट, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. सम एको साउंड कम्स. तो 4.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम को आप अमाउंट में कन्वर्ट करो, वो कितने ग्राम्स है? So you need atomic mass of aluminium, that is 27. Atomic mass of copper, 63.5. And atomic mass of sodium is 23. So now can you solve? Yes, ma'am. Aram se karo, koi gadbad nahi karo. See to it that you get it right. ग्राम्स पर मोल किसका ऐसा यूनिट है? मैम हाँ बोलो बेटा. ग्राम्स पर मोल किसका ऐसा यूनिट है? एटॉमिक मास का. ओके मैम.
मैम कॉपर का एटॉमिक मास कितना 63.5 बेटा हो गया क्या कितना टाइम बेटा हो गया जैसे आपका जो भी प्रॉब्लम ये आपके हो जाते हैं तो इन्फॉर्म मी ठीक है तो कैसे करना है 4.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम So I say since GAM of aluminium is 27 grams, therefore 4.5 mole of aluminium will be 27 into 4.5 grams. So ये कितना हो जाएगा? 121.5. Yes, 121.5 will be the answer. Copper के लिए gram atomic mass जो copper का 25.25 mole वो 63.5 grams for one mole है. So therefore 1.5 mole of copper is 63.5 into 1.5 grams. ये कितना आ रहा है आंसर? 95.25. Everybody got this? और कोई confusion नहीं. यूने अपना आएगा grams में 95.25 grams. चलो आगे बढ़ते आपका सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम्स फॉर वन मोल ऑफ सोडियम है तो देयरफॉर 2.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाउ मच मास 50.6 हो जाएगा ठीक है सो इट विल बी 50.6 grams. तो अगर किसी भी एलिमेंट के मोल आपको दे दिए हैं, तो आपको क्या पता चलेगा मोल देने के बाद
आराम से उसका मास पता चलता है, राइट, बाय यूजिंग ग्राम एटॉमिक मास. नाउ सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में मैं मास दे रही हूं और आपको मोल्स पूछ रही हूं, और इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. Same as number of moles of following. Right, so let us calculate number of gram atoms or number of moles for following. So I'm giving you some questions. Start solving and let me know once done. Done, ma'am. Okay. अभी आपको क्या करना है, इस मास को आपको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? यस मैम. रिवर्स क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में मोल्स दिए, मास पूछा, तो आपने मोल्स को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया. अभी मास दिया है और मोल्स पूछ रही हूं, तो आपको मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट केस 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के ग्राम एटम होंगे, सो सिंस GaM ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स per mole, so therefore 56 upon 14 will be 4 gram atom, which is same as 4 mole. So इसका मतलब ये हो गया कि आपका 56 gram of nitrogen जो होता है
go for mole of nitrogen hai ya 4 gram atom of nitrogen hai. Is that clear to you? Yes. 48 gram of oxygen. So we have to check gram atom mass. Kitna hai oxygen ka? 3 mole. 16 grams per mole. So 48 upon 16. And this is going to be 3 gram atom of oxygen. And a similar calculation here for 142 grams of chlorine. So your chlorine's gram atomic mass. Is 35.5 gram per mole. So 142 divided by 35.5. तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 moles. 4 moles. तो मोल्स के जगह पे ये नया टर्म जो आपको सिखा रही हूँ उसको याद रखो. दिस इज 4 ग्राम. सो इज इट क्लियर? यस मैम. यस. सो वी लर्न फर्स्ट डेफिनेशन. आज हमने पहला डेफिनेशन समझ लिया, वो था ग्राम एटॉमिक मास का. नाउ आई एम टीचिंग यू द नेक्स्ट डेफिनेशन. आई एम क्लियरिंग द बोर्ड. लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डेफिनेशन. Second definition. So second definition. आज हम कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और ग्राम मॉलिक्यूल. So what is gram molecular mass or gram molecule? This is mass of one mole of a compound. ये होता है mass of one mole of compound. कैसे मिलेगा किसी compound का gram molecular mass? Express molecular mass in grams. Say for example, I take a compound water. So what I already showed you last lecture is molecular mass of water is 2 plus 16, 18 mu. Everybody recollect this? Yes. और ये 18 mu undoubtedly क्या है? Mass of one molecule. So, what will be the gram molecular mass? इसको हम कहते हैं GMM of water. Its number remains same, but the unit will become gram. And this is mass of not one now. One molecule ka mass nahi hai. Ye Avogadro's number of molecules ka mass hai. Ye mass of
वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल है. ऑल क्लियर. फिर से ये कैसे हो गया, आई कैन शो यू द सेम कैलकुलेशन वंस अगेन. कैसे हो गया तो यू कैन चेक. सिंस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर इज 18 amu, therefore mass of one molecule of water, if I want to express this in grams, I will convert the amu to grams. And then ye ek molecule ka gram mein mass aa gaya. And now mass of one mole of water is 18 into 1.66 into 10 raised to 24 into Avogadro's number. And when you do this calculation, क्योंकि ये दो number का product one है, हमारा answer 18 grams आ जाएगा. Is this calculation clear to everybody? Yes, ma'am. Copy करो, मैं similar questions पूछ रही हूँ. बोलो. ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल के कंपाउंड के एक मोल का मास है या मॉलिक्यूल के एक मोल का मास? बेटा मॉलिक्यूल का मोल होता है कि कंपाउंड का मोल होता है? इतना कंफ्यूजन क्यों है? मोल एक यूनिट है बेटा. किसको मोल कहते हैं? जब ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे तो एक मॉलिक्यूल का मोल का मतलब ही कुछ है नहीं. मोल इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर. समझ में आ रहा है? Start doing this calculation. Let me know once done.
मैम बोलो व्हाट इज ऑर्टिक एसिड 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 ओके पता होगा ना फॉर्मूला हां मैम CH3COOH यस परफेक्ट I'm done. Great. Done. Hello. सबका तो आपको 4 मोल ऑफ अमोनिया दिया है 16 टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया व्हिच इज 17 ग्राम्स सो देयरफॉर 4 moles of ammonia will be 4 into 17. What will be the answer? 68. आपका जो acetic acid होता है, उसका GM formula is CH3COOH. So when you add the atomic masses, it will be 60 grams per mole. And your 3.5 mole of acetic acid is going to be 210 grams. Right, everybody clear till here? Yes. Any doubt? Yes, ma'am. No. Aapka urea जो होता है ये स्ट्रक्चर है यूरिया का NH2CO NH2 यू कैन कैलकुलेट GMF ऑफ यूरिया एंड दैट विल बी 60 ग्राम्स फॉर 1 मोल एंड देयरफॉर 5 मोल of urea will be 300 grams. ये सबको समझ में आ गया ये वाले problems? Yes, ma'am. Great. अभी हम reverse problem करेंगे. We will try to find number of gram molecule, which is same as number of moles. तो आज आपको होमवर्क आने वाला है हाँ बुकलेट से मॉड्यूल से और असाइनमेंट भी दे दूंगी आज ही
do we have to take phosphorus as P4? Obviously na molecule beta lena hai. Gram molecule ka matlab hai molecule, right? Yes ma'am. Ma'am, what is mass of phosphorus? 31. Okay. I'm done. Okay. All those who are attending for the first time, are they having problem or they are able to understand? जिन्होंने lecture one miss किया उनको समझ रहा है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, great. फिर भी है ना एक बार वो lecture one का video देख लो. उसमें जो भी detailing किया होगा वो आपको समझ में आ जाएगा. जस्ट स्पेंड 2 hours वॉचिंग दैट लेक्चर 1 वीडियो सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी. अभी प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करने बैठोगे तो मे बी क्योंकि आपने एक लेक्चर मिस किया है तो शायद कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके वीक रह सकते हैं. तो उनको एक बार लेक्चर आप देख लेना और रिवाइज कर लेना और इसके आगे का अभी कोई बंक नहीं करना. इसके आगे हर लेक्चर अटेंड करते रहे. तो देखो 6 grams हाइड्रोजन तो आई नीड टू नो GMM और H2 इज 2 grams सो इट विल बी 6 grams अपॉन 2 grams एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 gram मॉलिक्यूल. P4 होता है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 होता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 एक एटम का मास 31 है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 124 ग्राम पर मोल. ये हो जाएगा is this clear till here? Yes, at last, 64 grams of oxygen. So your gram molecular mass of O2 is 32 grams per mole. And therefore, 64 grams is going to be 64 upon 32. 2 gram molecule. So I hope everybody is doing it correct. Yes ma'am. Yes ma'am. So देखो अब तक मैंने मोल कंसेप्ट में आपको मोल के रिगार्डिंग दो चीजें सिखाई है. Now let me put those two things for you all. What two things with clarity now you know about mole? Is the first thing that we need to understand. So I'm clearing the board and pay attention.
सो आई मेड यू अंडरस्टूड कि जो मोल होता है अगर आपको मोल्स दिए हैं तो आप उस मोल्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स टू नंबर कैलकुलेशन. हाउ डू वी डू मोल्स टू नंबर? इफ आई आस्क यू टू मोल ऑफ वाटर विल बी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, आप क्या करोगे? बोलो मोल्स टू नंबर. एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई. आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, राइट? तो मोल से नंबर जाना है, वी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. और नंबर दिया है उसे मोल्स चाहिए, तो हम करेंगे डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको इसके प्रॉब्लम्स करवा दिए थे. आज मैंने आपको मोल को मास से कनेक्ट करवाया है. मास गिवन हाउ टू नो मोल्स, मोल्स गिवन हाउ टू नो मास. तो मोल्स गिवन हाउ टू नो मास, अगर एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास, और अगर कंपाउंड है तो मल्टीप्लाई बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. किसी को कुछ नहीं समझ रहा है पूछ लो. और मास दिया है और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट है तो डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास किया हमने, और मॉलिक्यूल है तो डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास किया. इज दैट क्लियर? यस. अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं. यस. अगर मैं अभी एक एग्जाम्पल दे दू, एकदम ध्यान देके समझो. मेरे पास 36 ग्राम्स वाटर है. कैन आई नो द मोल्स? यस. कितने मोल्स आएंगे 36 ग्राम वाटर में? टू मोल्स. कैन आई नो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? यस. कितने आएंगे? 2 into Avogadro's number. Absolutely. इसका मतलब ये तीन में से कोई भी एक चीज आपको दे जाएगी प्रॉब्लम में, बाकी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. Yes. So these three things are connected, and all your initial problems of mole concept are based on this. ये तीन में से कोई एक चीज आपको दी जाएगी और बाकी दो पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मास गिवन नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर गिवन मोल पे आ सकता है, मोल गिवन मास पे आ सकता है, एंड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन. टू सी अप टू नाउ इन मोल कंसेप्ट हाउ फार आई हैव रीच, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 1 mole ऑफ मैग्नीशियम, then I know this is exactly equal to Avogadro's number of magnesium atom. And I also know now that it is going to weigh 24 grams. And if I talk about say 1 mole of methane, then this is going to have Avogadro's number of molecules of methane. Ye compound hai. And this is going to weigh 16 grams. Aur ye teen cheezon mein se koi ek bhi cheez humko problem mein di jaati hai. So remaining two things we can calculate very, very easily.
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो. ओके अभी मैं मोल को, हाँ बोलो बेटा. वो मास और मोल का कन्वर्जन फिर से समझा दीजिए ना. मास और मोल का अभी जो आज मैंने प्रॉब्लम करवाया बेटा तू था. आज का लेक्चर स्टार्टिंग से अटेंड किया है कि अभी ज्वाइन हुआ है? स्टार्टिंग में था मैं. पूरा अटेंड किया है ना, बीच में लॉग आउट हुआ है तूने. तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया बेटा, जो पहले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थे मैंने मास दिया था, मोल्स कैलकुलेट किए, मोल्स दिया था, मास कैलकुलेट किया, वही किया ना आज हमने. तो क्या करते हैं अगर मोल्स दिए हैं, मोल्स दिए हैं, मास चाहिए, आइदर आप मल्टीप्लाइड विद ग्राम एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है तो, और आप मल्टीप्लाइड विद ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर कंपाउंड है तो. और जो सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स किए थे उसमें भी यही किया था हमने. मास दिया है, मास था मोल ढूंढना, मास टू आइदर ग्राम एटम और मास टू ग्राम मॉलिक्यूल आई नीड टू डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके समझ में आया बेटा? हां मैम. ओके तो अभी हमको इसी में और समझना है, और मोल को समझना है, और मोल को और समझाने के लिए आई एम गिविंग यू वन हाइपोथेसिस नोन एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. टू सी व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले ये ओनली फॉर गैसेस अलाउड है, कैनॉट यूज दिस फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ओनली फॉर गैसियस कंपाउंड्स. ये ओनली फॉर गैसेस लिख देती हूँ. तो अगर आपका कंपाउंड, आपका एलिमेंट गैसियस स्टेट में नहीं है तो इसमें मैं जो भी कह रही हूँ वो उसको वैलिड ही नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज मेंट ओनली व्हेन योर कंपाउंड गिवन सब्सटेंस इज गैस. सुशी आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. मैं लिख रही हूँ बोर्ड. This hypothesis simply says equal volume of different gases under similar conditions of temperature and pressure will have equal number of molecules. Ma'am. हाँ बोलो बेटा. So up till now, this Avogadro's hypothesis is, connected to this gases only. But आपका voice बहुत crack हो रहा है, थोड़ा धीरे बात कीजिए, so I can understand what you want to say. Ma'am, are you able to hear me? Yes, better. Ma'am, so up till now, this Avogadro's hypothesis is related to gases.
Yeah, till now, nahin. It's forever will be related to gases only. This is a law, this is a rule applicable only for gases. मैंने explain नहीं किया, अभी मैं explain करती हूँ, ध्यान दो, मैंने सिर्फ statement लिखा है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि we are talking about volume of a gas. हम आगे चल के gases के लिए एक पूरा separate unit पढ़ने वाले हैं, gaseous state. जिसमें हमको गैस के बारे में और इंफॉर्मेशन हम समझेंगे. बट गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है, प्रेशर चेंज होने पे चेंज होता है. इसके लिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग और कंपेयरिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट कॉन्स्टेंट. तो इसके लिए ये जो रूल आपको बताया गया है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर ओके फिक्स रखा है, सिमिलर कंडीशंस रखे. अभी ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई भी दो गैसेस हम ले ले, अगर इफ दे आर ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल बी हैविंग same number of molecules. इसका उल्टा मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 100 molecules है nitrogen gas के और 100 molecules है से hydrogen gas के, molecules का number same है, जो भी प्रेशर है जो भी टेम्परेचर है यहाँ पे. सो आई जस्ट पुट समथिंग, 1 एटमोस्फियर प्रेशर, सम टेम्परेचर 300 केल्विन, तो हाइड्रोजन भी उसी प्रेशर पे है उसी टेम्परेचर पे है. तो अगर दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. बोथ विल हैव इक्वल वॉल्यूम, या उल्टा दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है प्रेशर इक्वल है, तो उस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते. सो दिस is simply saying equal volume of different gases under similar condition of temperature and pressure will have equal number of molecules. Yahan tak samjha Avogadro's law? Yes. Yes, ma'am. Abhi dekho, main ye temperature aur pressure ki ek condition aapko samjhati hu, jo aap baar baar problems mein dekho. हम इसको कहते हैं एसटीपी या एनटीपी. तो एसटीपी एनटीपी का फुल फॉर्म है, एस इज स्टैंडर्ड, एन इज नॉर्मल, टीएनपी इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस इज द फुल फॉर्म. Of STP and NTP. ये होता क्या है, वॉट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हम इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन, इट इज सेम एज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, एटमोस्फियरिक प्रेशर इज 1 एटमोस्फियर. तो किसी भी प्रॉब्लम में आप ये लिखा जरूर पाओगे, मैंने इसका मतलब समझाया आपको. तो अभी मैं इसको मोल से कैसे कनेक्ट करती हूँ, देखो मुझे पता है कि 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रोस नंबर है. तो अभी मैं दो गैसेस लेती हूँ, फिर से एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, टू डिफरेंट गैसेस, बट दोनों गैसेस के 1 मोल लेती हूँ,
मतलब दोनों गैसेस के मैंने मॉलिक्यूल्स कितने लिए? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर एंड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर आल्सो. और ये मैं एसटीपी पे दे रही हूँ, एट एसटीपी मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, यहाँ पे भी टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. तो एज पर एवोगैड्रोस लॉ इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए बोलो? इक्वल. सेम होना चाहिए ना, जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन गैस होगा वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है. दैट इज व्हाट इज योर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. डिड यू अंडरस्टूड दिस? दिस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, दिस वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड एंड इट इज 22.4 liters. ये कैसे कैलकुलेट करना है मैं आगे चल के अगले लेक्चर में समझाने वाली हूँ. बट ये 1 मोल ऑफ अ गैस का 273 केल्विन टेम्परेचर पे 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर पे वॉल्यूम है और जो है 22.4 liters. यहाँ तक समझ में आया सबको? जो इक्वल होगा. Yes. और कोई फॉर्मूलाज अवेलेबल है जिससे वो कैलकुलेट करके आंसर आ जाता है 22.4 लीटर्स. इसका मतलब है कि अभी हम मोल को और एक चीज से कनेक्ट कर सकते हैं और वो और एक चीज है वॉल्यूम. बट when I am using this definition, this is applicable only for gases. ये मैं किसी solid या liquid के लिए use नहीं कर सकती. तो मेरा mole दिया है और मुझे volume चाहिए. How do I get that? By using the relation 1 mole of a gas. So what is the mole meaning of this that I've given you here? ये पूरे story का मतलब क्या है? This is the volume occupied by 1 mole of a gas. I explain you कि 1 mole of a gas कोई भी होने दो. अगर वो 1 mole है और STP पे है तो it occupies 22.4 liters. तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम फिक्स है एट एसटीपी. तो मैं आपको पूछूंगी 2 मोल्स का वॉल्यूम क्या होगा एट एसटीपी, क्या आंसर दोगे बताओ? 44.8. और 44.8 तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, है ना? मतलब मोल्स दिया है तो वॉल्यूम आ जाएगा. कैसे आ जाता है? वी मल्टीप्लाई इट by 22.4 liters. But the answer comes by using this. This is the volume at STP. Standard temperature or pressure pe ye volume aa jayega. And agar ulta मैं कहूँ मेरे पास कोई गैस है 44.8 लीटर्स है तो क्या मुझे उसके मोल समझ में आ सकते हैं? नहीं, डिवाइड बाय 22.4. बस आई नीड टू डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स. इज दैट क्लियर? मतलब मैंने मोल को ध्यान से देखो अभी 3 चीजों से कनेक्ट किया. अगर गैस है तो say if I'm having 1 mole of O2 means I'm having Avogadro's number of molecules. This will weigh 32 grams.
and this will occupy 22.4 liters and STP, four things connected. And any one of this given, the other three can be calculated. Similarly, if I'm having say one mole of methane, ye bhi gas hai, to isme Avogadro's number of molecules rahenge. This is going to weigh 16 grams and this is going to occupy 22.4 liters at STP. But what I have to know with the clarity, if I say I'm having one mole of water, then I can't use the third definition of volume. This is equal to Avogadro's number of molecules and this will weigh 18 grams only. I can't say this occupies 22.4 liters. Are you getting it? So, ye teesra definition jo hum use karenge, wo sirf kiske liye hai? Gas ke liye hai. Ma'am, what if H2O is gaseous instead? Gas? What are you talking? अगर H2O गैस के स्टेट में होगा तो वैसे स्पेसिफाई करना चाहिए. नॉर्मली तेरे को H2O कौन से स्टेट में दिखता है? गैस, लिक्विड. गैस में दिखता है H2O? नहीं. व्हाट इज द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ H2O अराउंड यू? लिक्विड. एब्सोल्युटली. सिर्फ नॉट, वैसे तो कोई भी सब्सटेंस ले लो, वाटर की क्या बात कर रहे हो. मैं ऑक्सीजन भी लिक्विड स्टेट में कर सकती हूँ और ऑक्सीजन को सॉलिडिफाई भी कर सकती हूँ. एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट. बट वी डोंट से दैट, वी सी व्हाट इज नॉर्मल. तो नॉर्मली ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है? गैसीय. उसी को मानना है. तो कॉपी टिल हियर. Ma'am, हाँ बोलो. Ma'am, from where did that value of volume come from? So that I calculate बेटा, मैं आपको clarity से calculate करके बताऊंगी. कोई formulas है gaseous state के, वो अगले lecture हम करेंगे. Okay ma'am. But आज के लिए इतना समझ लो कि उस calculation के बाद one mole of a gas at 273 Kelvin, one atmospheric pressure, the volume comes after calculation 22.4 liters. Take it same right now. We will do the calculation next week. Okay, ma'am.
डन मैम। मैम वन मिनट। हाँ बेटा आराम से करो। Done, ma'am. Okay. तो देखो अभी हमने मोल के जो डेफिनेशन किए हैं इस पे हम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? Let us do some more problems on this simple definition of moles that we have learned. So I'm clearing the board. I'm giving you some simple, simple problem start solving. Mom, should we take fluorine as 35.5 or 35.5? इसके लिए लेक्चर वन अटेंड करो, आपने नहीं किया है लगता है, आपने नहीं किया है ना लेक्चर वन? हाँ मैम। हाँ करो अटेंड, ये डाउट सारे जो आते हैं ना वो नहीं आएंगे।
बेटा हाँ बोलो बेटा हो गया मैम अच्छा wait for a couple of more minutes let everybody finishes and I'll discuss I'll give you more problems done ma'am Done, ma'am. Okay. Which of the letters is this? The first problem में क्या दिया है? Mass दिया है. और क्या पूछा है? Mass से volume आना है. तो mass से moles जाएंगे, moles से volume आएंगे. So I need to know GMM of phosphine. 34. Gram molecular mass of phosphine, which is 34 grams per mole. अभी number of moles हो जाएंगे 68 upon 34. So I'm having two more. And volume of 2 mole pH3 and STP. Will be 2 into 22.4 liters. 44.8. That will be 44.8 liters. Is that clear? Yes. Okay. Next problem. तो सबका right आया कि नहीं ये question? Yes, ma'am. I hope everybody got this right. Nobody made any mistake. Calculate the number of molecules present in 50 grams of chlorine. 1.4. So I start with gram molecular mass of chlorine, which is 71 grams per mole. And in 50 grams, how many moles is 50 upon 71 moles? Is that clear? These 0.7 moles 0.7 of chlorine. Abhi, therefore, number of molecules will be. जिसको नहीं समझ रहा है, देखो दिया क्या है, mass पूछा क्या है, number mass से mole आ गए. अभी मोल टू नंबर जाना आई मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 50 अपॉन 71 0.7 इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक बार कैलकुलेशन करके हम आंसर निकाल देंगे ठीक है कितना आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर 0.7 कैसे ऐसा आंसर आएगा पॉसिबल है क्या एक सेकंड
जो आप ये नंबर ऑफ मोल्स आए उसको आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ मैम, 0.7 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 0.7 तो मोल्स आ गए ना बेटा, वो थोड़ी ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। मैम 4.24 इनटू 10^23। यस मैम। तो आफ्टर यू मल्टीप्लाई इट विल बी 4.24 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन नॉट अंडरस्टैंडिंग? प्लीज आस्क, अभी पूछ लो लेक्चर में, नहीं तो फिर होमवर्क में सब डाउट रह जाता है। ऐसे नहीं करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, I am going ahead. If these two problems are clear, I'm going ahead and discussing the third problem. Third problem में बोला है calculate the number and volume given. ये given. So volume to mole, mole to number is the first thing. So volume to mole कैसे जाना है? I need to divide 89.6 liters by 22.4 liters. As this is simply 22.4 liter is one mole. So 89.6 liter will be how many mole? Or answer aayega 4 mole. So methane 4 mole hai. 4 mole methane is how many molecules? So number of molecules of methane will be 4 into Avogadro's number. Ye ho jayenge molecules, but this is not asked. Ye nahi pucha hai. Kya pucha hai? Atoms pucha hai. तो लास्ट लेक्चर ये वाले प्रॉब्लम्स मैंने करवाए थे, कैसे एटम आएगा। आप देखोगे एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 5 एटम्स हैं, 6, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 5 एटम्स, सो दीज मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी 4 into 5 into Avogadro's number of atoms. So ye answer number of atoms ka hoga 20 into 6.022. So it will be 120.44 agar main 10 ki power 23 rakh rahi hu. ये समझ में आया सबको? Anyone having any doubt in this? No. चलो, I'm giving now the next type of problems. तो ये basic आपके हो गए, अभी कुछ और।
by solving these two problems, then we go ahead. हो जाएगा तो बता देना मुझे। Let's calculate the number of electrons present in 170 grams of ammonia. Number है, mass दिया है, तो mass to mole to number आना है. तो mass to mole is 170 upon gmm of ammonia 70. तो ये 10 मोल अमोनिया है,
एन मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Will be 10 into Avogadro's number of molecules. Right? और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढने? वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में इलेक्ट्रॉन कितने? एटॉमिक नंबर कितने? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. ईच हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देयरफॉर 170 ग्राम ऑफ अमोनिया इज गोइंग टू हैव 10 into Avogadro's नंबर of electrons. So this is simply 6.022 into 10 raised to 25 electrons. Everybody got this right? Yes. Anyone has any doubt in this, please ask. Agar kisi ko isme kuch bhi nahi samjhaiye problem bhi. Haan, bolo beta. Ma'am, how did you calculate the electron? So, NH3 formula hai ek molecule ka. So, ek molecule mein kitne electrons hai? I need to add electrons present in nitrogen. I need to add electrons present in hydrogen. So, electrons present in nitrogen plus hydrogen. I showed you here. Can you understood this? Yes, ma'am. Okay. So, agar ek molecule mein 10 electron hai, mere paas itne molecules hai. So, these many molecules into 10 will be the total number of electrons present in 170 gram of ammonia. Okay, ma'am. और किसी को कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो बेटा. Anyone has any doubt, please ask. चलो, if all clear, I solve the next problem, which again talks about number and volume given. But I can't use this. मैं ये relation नहीं use कर सकती. Yes. के वॉटर दिया है, वॉटर लिक्विड होता है. मैं ये यूज करूंगी. मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास डेंसिटी है. सो व्हाट विल बी द मास ऑफ वॉटर? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉटर का अगर वॉल्यूम भी दिया है तो वॉटर का मास उतना ही होता है जितना वॉल्यूम है. क्योंकि वॉटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर. यस, मतलब 10 ml वॉटर इज 10 grams, 20 ml वॉटर इज 20 grams. ये समझ में आया? तो हमारे पास 360 ग्राम ऑफ वाटर है. अब ये 360 ग्राम को मैं 18 ग्राम जो gmm है वाटर का उससे डिवाइड करूंगी. आई गेट मोल. तो 360 ग्राम इज 20 मोल. एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए तो मोल आ गए, मोल टू नंबर. Number of molecules is going to be 20 into Avogadro's number. यहां तक समझ में आया? इतने क्या हो गए वॉटर में? मॉलिक्यूल्स हो गए. पूछा क्या है? प्रोटॉन्स.
कभी एक मोल गिन लेते हैं। मेरे बाद में डाउट, मुझे कंप्लीट करने दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन वन मॉलिक्यूल, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल होगा 2+8, 10 प्रोटॉन्स आर देयर इन वन वाटर मॉलिक्यूल, सो देयरफॉर आई राइट 360 ml ऑफ वाटर has these many molecules, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, so 20 × 10 × Avogadro's number of protons, तो ये हो जाएगा 200 × 6.022, समझ में आ रहा है सबको? Yes, so how many of you got this right? Mom, I did. ओके तो क्या आंसर आया इसका? 10^23 रखना है तो 1204 आएगा, यानी आंसर बाय एडजस्टिंग द पावर 1204.4, ये 10 के पावर 23 में आएगा। तो अभी किसी को कोई डाउट है अभी पूछो मुझे। मैम एक डाउट है, बोलो ना बेटा। मैम ये जो आपने शो किया कि वो 360 ग्राम कैसे आया, तो वो मतलब वर्किंग दिखाना पड़ता है ना बेटा? अभी तू आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, तेरे को नीचे चार ऑप्शंस दिए है, तेरे को बस टिक करना है। मैम बोर्ड्स में मतलब स्कूल का एग्जाम वैसे हो तो वो तो ये इतनी सी मतलब दिखाया ना मैंने, मास ऑफ वाटर मैंने दिखाया इधर। हाँ मतलब वही वो वर्किंग दिखाना पड़ता है ना, वही पूछ रहा हूँ। और क्या दिखाओगे? हाँ मतलब वही पूछ रहा हूँ, वो दिखाना पड़ता है ना। हाँ हाँ दिखा दो। हाँ आईटी में तो तेरे को आंसर टिक करना है बस, कुछ भी नहीं दिखाना है। और क्या डाउट है मैम? बोलो मैम। मम्मी को मास कैसे मिला मैम ग्राम में? तो 36 मास ऑफ H2O मैम। तेरे को वॉल्यूम दिया है प्रॉब्लम में? हाँ मैम। डेंसिटी दिया है प्रॉब्लम में? हाँ। ओके डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समझ गया। So I simply multiply density by volume. Okay, ma'am. All clear. So anyone has any doubt? All doubts clear? तो मैं अभी ग्रुप में आज आपका होमवर्क भी डाल दूंगी, और लेक्चर हमेशा मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ, और ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है आपसे, डिलीट हो गया जो भी है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके सारे लेक्चर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे असाइनमेंट जो अपलोड हुए हैं वो देख सकते हो। यू विल गेट ऑल दैट ऑन अवर वेबसाइट। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम आप वो फिफ्थ वाला एक बार रिपीट कर सकते हो क्या प्लीज? ये वाला फिफ्थ वाला बेटा नहीं समझा आपको? नहीं मैम। ध्यान दो बेटा, मैंने यहाँ पे पूछा क्या है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 360 ml वाटर लिक्विड होता है, तो हाँ, मोल्स के लिए मुझे वाटर का मास चाहिए, ये समझ में आया? वाटर के वॉल्यूम से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, मुझे वाटर का मास चाहिए। कैसे मिलेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आई गेट मास ऑफ वाटर। यस मैम।
So 360 ml of water is 360 grams. That's the first calculation. Then I calculate 360 grams of water is how many moles. Mere paas mass aa gaya. Main mass to mole ja rahi hu. I'm dividing by gram molecular mass. That is 80. So 360 gram is 20 moles. Did you understood till this? Yes, ma'am. Hum idhar aa gaye moles. Abhi main moles to number ja rahi hu. तो मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रोस नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 20 मोल इनटू अवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज दैट क्लियर यस मैम पूछा क्या है प्रोटॉन कितने होंगे तो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ वाटर का जिसमें दो एच है और एक ओ है हाउ मेनी प्रोटॉन वन ऑक्सीजन हैज ए How many proton? Two hydrogen will have two. So what are the total number of protons in one molecule of water? Water ke ek molecule mein kitne protons hai? 10 protons. Yes, ma'am. Kitne molecules mein kitne protons? Getting it? Ma'am. And then this is the answer that comes. All clear? Yes, ma'am. Great. So that's it for today. See you everybody next time. Bye everyone. Bye ma'am. Bye. 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 Okay ma'am. Or homework chahiye mujhe done agle lecture. Everybody will complete the homework and come. Cool.